हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे कि फिलेट की जब हम लगाते हैं, जब हमें बैरिंग साइज बनाना होता है, जब हम फिलेट लगाते हैं तो यहाँ पे फिलेट की वजह से हमारा बैरिंग इसके अंदर प्रॉपरली सेट नहीं होता है। तो आज हम देखेंगे कि इसका प्रॉब्लम जो है कैसे सॉल्व करें। तो फिलेट लगाते हैं ना, तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा रेडियस बन जाता है जो इसको बैरिंग को जाने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अभी हम देखते हैं कि हम प्रॉब्लम इसको कैसे सॉल्व करें, प्रोग्राम में कैसे एडिट करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये अभी ये बैरिंग इसको सेट करना है और ये इसमें सेट नहीं हो रहा है। अभी हम प्रोग्राम को एडिट करके फिर आपको दिखाएंगे कि ये कैसे बैरिंग इसमें सेट होगा। ठीक है, मोड में अभी हम आगे यहाँ स्क्रीन पर, यहाँ पर हमारा प्रोग्राम है, ये इस साइड पर देख सकते हैं, राइट हैंड साइड पर। अब यहाँ पर हम अभी कर्सर लेकर जाएंगे, ये जो अभी रेडियस देख रहे हो ना, ये रेडियस अभी जैसे मैंने यहाँ पे रेडियस 3 दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस दिया हुआ जेड में 2.5। तो हमेशा क्या करना है, हमें ये जो यहाँ पे जो जहाँ से स्टार्ट करना है एक्स, तो एक्स हमेशा कम से कम जैसे हमें 31 दिया हुआ, 31 एक्स है और हमें ले जाना है अप्रॉक्सीमेट 35, तो लगभग 4 mm है। तो ये कम से कम 4 mm का जो है वो डिस्टेंस होना चाहिए और जेड जो है 2.5 और रेडियस 3। जब हम इसको यूज़ करेंगे तो हमारा जो है फिलेट जो है वो स्मूथ आएगा। अभी देखते हैं हम। तो ये पीस बन चुका है, अभी हम इसमें बैरिंग सेट करके देखते हैं। ये देखिए, ये स्मूथली इसमें फिट हो जा रहा है बिना कोई प्रेशर के। ओके, थैंक यू।